गाइस, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सबको, और हैप्पी न्यू ईयर 2024 की ढेर 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 सारे सबको शुभकामनाएं। और गाइस, मैं रोज सुबह, मेरा मतलब 5 बजे उठने का एक, मतलब जब से होश संभाला है कि मेरा 5 बजे मॉर्निंग में उठना ही उठना, मतलब मैं उठ जग जाती हूँ। हाँ, बिस्तर नहीं छोड़ती हूँ, अलग बात है, बट 5 बजे जग जाती हूँ। लेकिन 6, 7, 7:30 बजे तक अंदर में नहा धो सफाई सब कुछ करके रेडी हो जाती हूँ। बट आज ऐसा हुआ कि मैं मॉर्निंग में उठ गई। उठने के बाद मैंने वीडियो अपना चैनल का अपलोड किया, हेड मसाज का। अपलोड करने के बाद ठंडी बहुत तेज लग रही थी, फिर मैं बिस्तर में ही सो गई। और बिस्तर में मुंडी डाला तो सुबह 9:30 हो गए, पता ही नहीं चला मुझे कब हो गए। फिर मुझे अब गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी, मैं फटाफट उठी और सीधे गई बाथरूम में, फ्रेश हुई, ब्रश किया, ब्रश नहीं दातुन किया, और मैं फटाक से नहाया एकदम ठंडे ठंडे बर्फीले पानी से, जिसको कहते हैं। नहाने के बाद गाइज मैं रेडी हो गई हूँ। तो आज मेरा एक बुकिंग है मेकअप का, और इनवाइटेड भी हूँ मैं, बर्थडे पार्टी है तो आज बुकिंग भी है तो मुझे जाना भी है, और मुझे खुद के लिए भी पार्टी करना है। बट फिलहाल तो अभी अकेली हूँ, आप लोग को तो पता ही है कि मेरा हर एक चीज़ इस टाइम अकेले, मतलब हर एक चीज़ अकेले अकेले अकेले। तो मैं सोचती हूँ क्यों जो अकेले रहता है वो एंजॉय नहीं कर सकता है। तो मैंने आज सोचा है कि मैं पार्टी, मेरा मेकअप है जो बुकिंग है वो 1 बजे का है, तो 1 से 2, 2:30 मान के मैं चल रही हूँ, 1.5 घंटे वहाँ लगेंगे। इसके बाद मैं इंजॉय करूँगी, तो मैं आप लोग को सब दिखाती हूँ मैं आज क्या क्या करने वाली हूँ। क्या हुआ, अकेले होंगे तो इंजॉय नहीं करेंगे करेंगे। तो अभी फ़िलहाल रूम पे हूँ, और मैं क्या क्या करने वाली हूँ आज। मैंने कुछ नाश्ता भी नहीं बनाया, और अभी तक कोई नाश्ता नहीं किया है, बट अभी मैंने ऑर्डर लगाया है मेरा। मैंने ऑर्डर नहीं लगाया, मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज पूरे 2 महीने बाद कल शाम को, मतलब 12 बजे मेरे, मैं खुश सच में बहुत हूँ। आपको मेरे चेहरे पे वो खुशी दिख रही होगी, 12:30 बजे जिनको लेके मैं इतना डिस्टर्ब चल रही हूँ, जिनकी वजह से मेरी लाइफ एकदम इधर उधर उथल फुथल हो गई है, उन्होंने राय, मुझे उम्मीद नहीं था क्योंकि वो ऐसा करेंगे। बट 12 बजे सबसे पहले उनका कॉल आया, मैसेज आया, उन्होंने मुझे विश किया, और सुबह का नाश्ता वही मुझे ऑर्डर कर रहे हैं, जलेबी, और देखते हैं क्या क्या। अभी जस्ट कॉल आया है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मुझे बहुत अंदर से खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो यस, आप तो समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो मैं देखती हूँ मेरे लिए क्या आ रहा है, और आज क्या क्या मैं करती हूँ, वीडियो में बने रही, मैं आप सबको दिखाती हूँ। गाइज, ये मेरा भजिया यानी कि पकौड़ी, और ये मेरा गर्मा गर्म जलेबी। पहले हम करेंगे अपना नाश्ता, इसके बाद फिर क्या करने वाले आपको दिखा। गाइस, हम रेडी हो चुके हैं, आपने तो सुबह देखा ही था, बस मेकअप नहीं किया था। फिलहाल अभी मेकअप भी कर लिया है, मैं जलेबी और पकौड़ी खा के दुकान आ गई हूँ। और ये मैंने सामान सब जो सूटकेस लेके मुझे जाना नहीं उतने दूर, एक ही मेकअप है और मैं रेडी हो गई हूँ, बस हिना का इंतज़ार कर रही हूँ। मेकअप है आज, मैंने बताया था आपको, तो मैं नहीं चलूँगी वहाँ, भी थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखाऊँगी उन्हें देख लेती हूँ मैं। तो हे गाइस, हम आ चुके हैं सरकारी अस्पताल, क्योंकि हिना को लेना था अपनी मम्मी के लिए दवा। और ये है, हम ऑटो में बैठे हैं, हिना गई है दवा लेने, और हॉस्पिटल जहाँ दवा लेने है वो बंद भी है, और वो वापस आ रही है। तो हम लोग निकलेंगे यहाँ से, जाएंगे पिंटू कैफे, क्योंकि हम लोग मेकअप करके आ चुके हैं, वहाँ का वीडियो नहीं ले पाए थे क्योंकि भीड़ थी। और हिना आ रही है, उसको दवा नहीं मिला, कल आएगी वो फिर लेने। तो हम लोग अब टोटो रोके हैं, यहाँ बैठी हिना, और अब हम लोग निकल रहे हैं सर, हम आ गए हैं पिंटू कैफे। पिंटू कैफे अब हम और हिना दो ही लोग हैं, तो हम थोड़ा टाइम यहाँ रहेंगे और देखते हैं यहाँ क्या चीज़ अच्छा है, कुछ खाएंगे पियेंगे, फिर हम अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे। तो गाइस, हम आ चुके हैं अपनी सीट पे, और हमने ऑर्डर लगा दिया है चाउमीन और पनीर चाउमीन। और हिना ने बोला कि पेस्टी, आज मेरा बर्थडे का, नए साल का, तो पेस्टी उसने ऑर्डर किया, तो पाइन एप्पल, जबकि मेरा सब जानते हैं फेवरेट है। तो हम लोगों ने, हाय मड़ियाओं वाले वैसे कहाँ कुछ चीज मनावत है, एक चीज छोड़ के सही पकड़े।